प्रदेश भर से आई हुई सभी खा पंचायतें, विभिन्न सामाजिक संगठन और इस संघर्ष के योद्धा साथियों, मैंने एक बात कही थी कि हमारे विनायक खाप में एक बात कही जावे है कि न्याय लेना है तो दमताण की धरती पर जाओ। मैं धन्यवाद करना चाहूँ सारे संगठनों का, सभी खापों का, कि जो विपता इस गांव पर विनायक खाप पर पड़ी थी, आपने हमारे एक आवाज पर हमारा हौसला बढ़ाया, हमारा संघर्ष में साथ दिया, इस सरकार को झुकाने का काम किया। मैं समुची विनायक खाप की तरफ से, समुचे समाज की तरफ से सभी खापों का, सभी संगठनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सरकार बहुत ढीठ है, ये आंगली देते के देखे थी, लेकिन हमने कहा था कि खाप है ये जोड़ने का काम करे है, तोड़ने का काम नहीं करती। इसका काम तो एक बार दे दी, लेकिन बजाय के जब काम करेंगे। सरकार ने कल रिंगाने की कोशिश करी, फिर भी हमने दरिया रखा। आज हमने 12 बजे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन फिर भी हमने 2 घंटे लेट कर दिया ताकि ये समाज ना टूटे। इस समाज में विभिन्न तरह के लोग हैं, आप बधाई के पात्र हैं कि जो संघर्ष आपने लिया था इस न्याय की धरती पर, इस गुरुओं की धरती पर आपकी जीत हुई है। सारा प्रशासन आपके पैरों में रिंगा है। हमारे प्रधान जी और 5 आदमी गए थे, जो आपकी मांगे थी, चाहे सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज हो, उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो, वो मांग मान ली। जो परिवार का एक बच्चा है, होनहार बच्चा, उसकी सारी शिक्षा का प्रबंध ये उठाएंगे। जो गांव वालों पर मुकदमे हैं, वो सारे मुकदमे वापिस लिए जाएंगे। और जो कंपनसेशन की मांग है वो यहाँ अनाउंस करने इच्छुक नहीं थी, लेकिन वो मांग भी आपकी पूरी तौर पर मंजूर होगी है। आप संघर्ष के बागी है, आपकी जीत के बागी है। कोई आदमी कोई किसी तरह का नाराबाजी ना करेगा। मारे भाई की माटी हमने संगानी है, कोई ताड़ी नहीं बजाओगा। अब 1 घंटा माइक बंद रहेगा, इसके दौरान भाई का अंतिम संस्कार होगा, और आप सबने जिसका भाई का दिल करे उसका संस्कार करना है। एक बात और कहना चाहूँ, ये सरकार हमारी नस्ल और फसल को बर्बाद करना चाहती है। आपने सचेत होना है, आज ये कांड दमताण में आया था, कल दड़ौदा खरड़ में होगा, कल जाड़ा समय में भी होगा। आपने इसी तरह के संगठन बनाकर अपनी एकता कायम रखनी है, अपनी जीत हासिल करनी है। और ये सरकारी कर्मचारी, इनको भी हम कहना चाहते हैं, खासकर बिजली कर्मचारियों को, कि आप सरकार के इशारे पर हमसे पिटने का काम करते हैं। आप सचेत हो जाइए, यदि आपने छापा मारना है गांव के किसी जिम्मेवार व्यक्ति को, नंबरदार को, सरपंच को लेकर के जाइए। आप घर हमें मीट रहे हैं, आप घर में नहीं घूस सकते। महिलाओं की जो बेइज्जती करी है वो बहुत अफसोसजनक है। और एक और मैं माफी मांगना चाहूंगी, 6 कर्मचारियों में मेरा गांव का भी एक कर्मचारी है, मैं सारे गांव की तरफ से, सारे समाज से ही माफी मांगना चाहूँ। यही थी भाई, एक के संदेश है कि आगे किसी गांव पे को विपता पड़ जाए, आपने इसी तरीके से उनका साथ देना है। विभिन्न खाप संगठन आए हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। 1 घंटा माइक बंद रहेगा उसके बाद, और साथ में शिक्षा का जो खर्चा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी वोट लिया है और सरकार ने भी वोट लिया है। यानी जितनी भी इस समाज की मांग थी, हमने इस सरकार को झुका दिया है, वो सरकारी मांग मान ली है। अब हमने ना तो ट्रैक जाने करना है, इस भाई का 1 घंटा का भी तुरंत संस्कार करें। आप लोग यही बैठे, परिवार की महिलाएं घर जाए और परिवार के सदस्य जो लकड़ी गोसा का इंतजाम करे, आप सारे यही बैठे रहे। ठीक है, ये बात अजय सिंह का तो बड़ा दिल तक कह दिया, लेकिन हम खर्च सरकार पर लेंगे। इस भाई को इतना कंपनसेशन मिल जाएगा, हमने किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बस यही आपसे प्रार्थना है, इस एकता को टूटने ना देना। आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीतम जी।